मुझे एक फर्जी मुकदमे में सजा हुई थी जिसको मैंने रेप किया और मुकदमा भी फर्जी कायम किया गया था 2020 में मेरे ऊपर। एक करप्शन का मामला था नमामि गंगे का और उस मामले में मुझे सजा दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे बेल दिया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरे सोनपुर जाऊंगा। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों के विषय में बात कम करिए। सर आपको जेल चेंजेस किया था, क्या मानते किसकी साजिश है? जेल बदलने की वो कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया रही होगी, अब उसके विषय में बाद में देखेंगे। अभी निकल के चले दीजिए क्षेत्र में। यहाँ से निकल चुके हैं और वो अपनी गाड़ी पे बैठ चुके हैं और यहाँ से अब सीधे जौनपुर के लिए निकल रहे हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हो चुके हैं और देख सकते हैं इसी गाड़ी में धनंजय सिंह सवार है और वो यहाँ से सीधे जौनपुर जाएंगे। उनके साथ में उनके सैकड़ों समर्थक भी मौजूद हैं। ये देख सकते हैं जस्ट पीछे बैठे हुए हैं धनंजय सिंह जी। इसी गाड़ी से ये धनंजय सिंह यहाँ से जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से बात की, कहा कि अब वो जा रहे हैं अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे। दरअसल उनकी पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही है और उनके साथ में कैमरा मैन से कहकर दिखाए कि कितने सारे उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद है। ये सभी समर्थक उनके साथ में जौनपुर तक जाएंगे, इन लोगों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है जब रिहा हो गए हैं? बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा भैया। बड़ी हो गए। अच्छा, तो आप किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं? चुनाव बहुत अच्छा है, इसका चुनाव होगा, इसका चुनाव होगा, चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है कोई साजिश थी इनको फंसाने की? जी पूरी साजिश लग रही है। देखा आपने जो उनके समर्थक हैं वे सभी यहाँ पर साथ में मौजूद हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि उनके जो भैया हैं धनंजय भैया वो जेल से रिहा हो गए हैं। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी।